आएंगे हम खुद हो जाएंगे। Sir, please. पीछे जाओ।
आज कठुआ ने अपना एक बेटा खोया है, अरुण कातिल नौजवान सारे राष्ट्र के लिए क्षति है। एक जवान एक सिपाही को तैयार करने के लिए कितनी लगन और कितनी मेहनत से उसका शिक्षण प्रशिक्षण होता है और वो जान हथेली पर लेकर के अपने देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं और वो भी विडम्बना ये कि एवलांच के कारण बेवक्त आकस्मिक और जाहिर है परिवार के लिए भी ये क्षति झेलनी कोई सरल नहीं है जैसे आपने दृश्य देखा। परंतु मुझे लगता है कि ये संदेश उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो शायद भारत में रहते हुए भी कभी कभी भारत माता के लिए शहीद होने वाले इन युवाओं के प्रति उस प्रकार की श्रद्धा अर्पित नहीं कर पाते या अपने जाने अनजाने में कुछ इस प्रकार के कथन उनके मुख से निकलते हैं जो इन युवाओं की कुर्बानी को इसके बजाय के उसको श्रद्धांजलि दें कहीं ना कहीं उसका तिरस्कार करने का कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्र इस प्रकार के युवाओं की त्याग का कोई ऋण तो नहीं अदा कर सकता परंतु हमारे मन में सच्चे लगन के साथ इनके प्रति श्रद्धा रहे और भारत माता के प्रति समर्पण रहे कम से कम इतना हम कर सके मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि रहे। सरकार की तरफ से कोई मदद परिजनों के लिए? निश्चय ही सरकार के पास एक प्रकार की पद्धति है उसके अनुकूल सेना की ओर से भी और सरकार की ओर से भी भरपूर प्रयास किया जाएगा। अब जो जान की भरपाई है वो तो पूरी नहीं की जा सकती, नवविवाहित युवा था ये, परंतु उसके अतिरिक्त न केवल सरकार बल्कि समाज की ओर से भी हमारे संगठन की ओर से भी यदि किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो पूरा सहयोग है।